हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप घर पर दशा माता का पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी। दशा माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं और इनका व्रत स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य, धन वैभव, संपत्ति और परिवार की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। तो सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के आप पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ईशान कोण में आपको बैठना होता है। तो मुख करके आप बैठ जाएं और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, हमने चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर हमने लाल वस्त्र बिछाया है और एक थाली में हम चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो इस प्रकार से हम आवाहन करने के बाद हम पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। देखिए भक्तों, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आ जाइए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जल को सींचते हैं। तो देखिए, हमारे पास दशा माता की फोटो या तस्वीर नहीं है, तो आप पीपल के पत्ते पर दशा माता की इस तरह से आकृति बना सकते हैं। यदि आपके पास तस्वीर है तो आप उसे पूजन में भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हल्दी से यहाँ पर बना रही हूँ, तो आप इस प्रकार से पीपल के पत्ते पर बना लें दशा माता का आकृति। एक गुड़िया की जैसी बन जाती है और ये हमारी दशा माता बन गई है। तो देखिए, हम यहाँ पर थाली में पुष्प का आसन देंगे और अपनी दशा माता जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। भक्तों, आप चाहें तो पीपल के, ये जो पूजन है पीपल के पेड़ के नीचे किया जाता है। यदि आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप नर्सरी से पौधा ला सकते हैं या फिर आप पीपल की टहनी एक दिन पहले ही ले आएं, उसके बाद आप इस पूजन को करें। जिस दिन आप पूजन करें उस दिन आपको पीपल को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखिए। मैंने यहाँ अक्षत का आसन दिया है और घी की बाती और धूप दीप को समर्पित स्थापित कर लिया है। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे। तो देखिए भक्तों, ना उस दिन आपको पौधा लाना होता है, टहनी भी ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक गमले में लगा लिया है और उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी का यहाँ पूजन करेंगे और इस प्रकार से चंदन रोली अक्षत से टीका करेंगे। आप चाहे तो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं, सुपारी से भी स्थापित कर सकते हैं कलावा लपेट करके। तो देखिए, अगर आप गणेश जी की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ गणेश जी का आप ध्यान कर लें, तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये पूजन में उसे अवश्य नहीं है कि रखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अच्छी प्रकार से दीपक का भी पूजन कर लिया है और हम यहाँ पर पीपल वृक्ष में भी चंदन रोली से टीका करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर भक्तों, जो ये पीपल जो वृक्ष होता है, इसमें भगवान विष्णु जी का ध्यान किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी का भी वास होता है। तो यहाँ पर जो दशा माता है वो लक्ष्मी जी माता का ही स्वरूप है और पीपल वृक्ष विष्णु जी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे और मैंने यहाँ माता को लाल चुनरी समर्पित की है। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। आप ये पूजन सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय भी इस पूजन को कर सकते हैं और इत्र आप कॉटन में लगा करके सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने ये जो पीपल वृक्ष का पौधा लिया था, इसमें भी हम इत्र का सेवा देंगे। तो देखिए, गणेश भगवान को हम लाल पुष्प समर्पित कर देंगे, दशा माता को भी जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप जरूर से समर्पित करें। भक्तों, जो दशा माता का डोरा तैयार करेंगे, वह 10 तार का डोरा होता है, वो मैं बताती हूँ किस प्रकार से तैयार किया जाता है। जो दीपक की स्थापना की थी उसमें भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे और दशा माता के पूजन में पीपल के पत्ते का विशेष महत्व होता है। मैंने यहाँ पर 10 पत्ते लिए हैं, 10 पत्ते हम यहाँ पर बिछा देंगे अच्छी प्रकार से। आप चाहे तो डंडी भी तोड़ दें और उसके ऊपर हमें गेहूं की 10 ढेरियाँ लगानी होती हैं। एक जल का लोटा भर के रख देंगे और इस पे भी हम 10 टिकिया लगाएंगे क्योंकि दशा माता के पूजन में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो
तो यहाँ पर हमने 10 टिकियाँ लगा दी हैं और यहाँ पर हमने चंदन रोली से 10-10 टिकियाँ लगाई हैं। उसके बाद में 10 रुपये जो सिक्के हैं वो एक एक सिक्का हर एक ठेरी पे हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीला कच्चा सूत का धागा लिया है, इसे हम 10 बार लोटे की सहायता से पकड़कर बांध लेंगे। तो देखिए हमें 10 अंक का लेना है, यानी 5 एक साइड होना चाहिए, 5 एक साइड तो 10 हो जाएंगे। तो देखिए मैं गिन करके दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारे 10 तार के धागा हो जाएगा और इसमें हमें 10 गांठें लगानी होती है। माता का ध्यान करते हुए हमें 10 गांठें लगानी है। आप इसको आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए परंतु 10 दिन का व्रत पूजन नहीं कर सकते हैं आप, तो दशमी तिथि को तो अवश्य रूप से करना चाहिए। और भक्तों अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक रह करके इस पूजन को कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप इस पूजन को कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए हमने डोरा तैयार कर लिया है और मैंने यहाँ पर 10 गुलगुले लिए हैं और 10 रुपये का नोट रखा है, जो कि हमें बायना निकालना होता है। यदि आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो आप जरूर से निकालें और यहाँ पर जो भी आपके पास ऋतु फल है वो आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए इसे एक वर्ष तक पहनना होता है जो हमने डोरा तैयार किया होता है। उसके बाद में चींटियों के लिए आटा भून कर रखें और गुड़ रखें ताकि वो चींटियाँ खा लें। इस प्रकार से हमें हल्दी से 10-10 बिंदियां लगानी होती है पीपल वृक्ष में और रोली से लगानी है 10-10 बिंदियां। तो हमें मेहंदी रोली से 10-10 टिकियां लगानी होती हैं। तो देखिए 10 दिन भी नहीं पहन पाते हैं तो वर्किंग है, बाहर आते जाते हैं, तो आप इसे कम से कम जब आप दशा माता का पूजन करें ना तो एक दिन तो आप इसे अवश्य रूप से पहने। और जब आपका एक दिन हो जाए उसके बाद में इसे आप अपनी कंठी में या चैन में बंद करके रख सकते हैं या फिर इसे मंदिर में रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अबीर गुलाल भी सभी को समर्पित कर दिया है और आप चाहे तो इसे पूजा स्थल में या तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर बैठ के हमें कहानी सुननी होती है, मैंने यहाँ पर अक्षत लिए हैं, आप यहाँ पर गेहूं के 10 दाने लेकर के भी दशा माता की 10 कहानियाँ सुननी होती हैं और उसके बाद में अक्षत और पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे इस प्रकार से। और देखिए कच्चा सूत लिया है, कच्चे सूत से हमें यहाँ पर 10 परिक्रमा लगानी होती है पीपल वृक्ष की, तो आप जरूर से लगाएं इस प्रकार से। तो देखिए होलिका दहन की यदि आप झल नहीं दिखा के लेके आए हैं, भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल धागा लेकर के भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर किया है। भक्तों दशा माता का पूजन आजीवन किया जाता है, इसका अध्यापन नहीं किया जाता। इस व्रत को आप ओपन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो देखिए बस आपको इस व्रत में नमक नहीं खाना होता है, आपने सिर्फ इस व्रत में मीठे अन्न का ही भोजन करना होता है। माता को विशेष रूप से गहने चढ़ाए जाते हैं जो कि आटे और हल्दी को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें नमक नहीं डाला जाता है। गहने किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर दीपक से आरती उतार लेंगे दशा माता की। तो देखिए हमने यहाँ पर गणपति जी की सबसे पहले आरती उतारेंगे, उसके बाद भगवान गणेश जी की, पीपल वृक्ष की, दशा माता की, इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी की आरती गा लेंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे और उसे सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भूल पूजा में भोग प्रसाद होता है माता सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए जो मैं विधि यहाँ पर करके दिखा रही हूँ घर में, वो सेम विधि आप बाहर जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे इस पूजन को कर सकते हैं। जो पिछले साल का पुराना डोरा था उसे हमें पीपल वृक्ष के नीचे ही दबा कर आना चाहिए, इस तरह से हम दबा देंगे। और जो हमने नया धागा लिया है उसे हमें पहनकर रखना होता है। तो इसी प्रकार से हमें आप अपने हाथ में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से करना होता है। तो भक्तों आप इन कथाओं को जरूर से सुनिएगा और पढ़िएगा। और देखिए इस प्रकार से यदि आपको यह सरल पूजा विधि पसंद आई हो, वीडियो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।